क्या आपको मालूम है माइक टायसन इतने फास्ट इतने फुर्तीले क्यों थे? जब भी वो रिंग में आते दूसरा फाइटर उनकी स्पीड और उनकी पावर को देख के मेंटली ही हार जाता था उनसे। उनकी ये पावर और उनकी ये भौचक की स्पीड एक गॉड गिफ्टेड था, मगर उनके कोच ने ये गॉड गिफ्टेड को और निखारा। वो उनकी एग्रेसिव ट्रेनिंग कराते थे। उस ट्रेनिंग में एक एक्सरसाइज बहुत पॉपुलर थी जिसने आने वाले समय में एथलीट का ट्रेनिंग प्रोग्राम ही चेंज कर दिया। वो एक्सरसाइज थी माइक टायसन पुशअप्स। आजकल हर एथलीट ये एक्सरसाइज कर रहा है अपनी पावर और अपना स्टेमिना बिल्ड करने के लिए। चलो जानते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। फर्स्ट आपको पुशअप की पोजीशन में रहना है, अपने पैरों को वॉल के अगेंस्ट रखना है। सेकंड, अपने एल्बो को 45 डिग्री में रखना है। थर्ड, आपको पुश करना है अपर और बैक को एक ही समय में। फोर्थ, जब आपकी बॉडी पीछे आएगी तो आपके हिप्स एंड नीज फोल्ड होने चाहिए। फिफ्थ, आपको पुश करना है वॉल को अपनी फीट से। इस तरीके से आप माइक टायसन पुशअप्स कर सकते हैं। माइक टायसन पुशअप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कंडीशनिंग के लिए, कैलोरी बर्निंग के लिए और स्ट्रेंथ के लिए। अब जान लेते हैं वो कॉमन मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है माइक टायसन पुशअप करने के दौरान। सेकंड, अपनी बैक को आर्च मत कीजिए। थर्ड, अपनी नी और हिप्स को ज्यादा ऊपर ना उठाइए। अगर आपको अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है तो आप एलिवेटेड पुशअप्स कर सकते हैं या फिर वेटेड वेस्ट पहन सकते हैं। बट ध्यान रखिए, आपकी फॉर्म ठीक होनी चाहिए। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।